सामान लिए था, अमीर आदमी था, टिकट नहीं थी। पूरी रास्ते भर हैरान रहा, सामान बहुत था, अमीर था, पर टिकट नहीं थी। तो पूरे रास्ते भर हैरान रहा। एक और आदमी ट्रेन में चढ़ा, फटीचर था, पर टिकट थी, आराम से सोया। एक आदमी बहुत अमीर था, सामान बहुत था, टिकट नहीं थी, पूरे रास्ते हैरान रहा। एक सीट दे दो ना साहब। अरे रुको, एक तरफ खड़े हो, अभी हमें चेक कर लेने, बाद में आते। सब जगह चेक किया, तब बोला कहीं टिकट नहीं है, फाइन लगेगा, और 1200 रुपया दो तो तुम डब्बे में रह सकते हो, वरना जनरल में जाओ, क्योंकि टिकट नहीं। तो पूरी रात बेचारा खड़ा रहा, अमीर था, सामान बहुत, एक गरीब था, फटीचर, जेब में कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं, टिकट थे, आराम से सो रहा था, कोई टेंशन नहीं। टीटी ने आकर, भाई साहब टिकट है, ये ले। यही दुनिया में अगर तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत नाम है, पर गुरु कृपा की टिकट नहीं है, तो तुम परेशान रहोगे, और तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, पर गुरु कृपा की टिकट है, तो तुम संसार में मौज के साथ सोओगे। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया, भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगह, दीदी भूकंप आया, आने तो कौन अपना मकान गिर रहा, मकान मालिक का गिरे, अपना क्या जाता है, मकान मालिक गिर जाने। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा, पर तुम भी तो तपोगे, इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का। एक बार राजा ने घोषणा की, जितने भी नगर में आलसियों सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त, खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई। राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी। मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी, आग जैसी लगी मकान जले, सो बाकी आलसी तो भग गए, दो पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग ऊपर लगी, दूसरा बोला बीड़ी जला ले। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आ गई नीचे आने वाली, यहीं जला लेंगे, यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जाए। तब राजा ने कहा असली आलसी ये है, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक है ऐसे ही कुछ आदत, हम लोग बीमार, भजन में भजन कर रहने वाली महाराज जी महा आलसी चेला था, यहीं रहते थे खाक चौक में, बद्रीनाथ वाली महाराज उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहाँ बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा चले, बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला गुरु जी, आग तापते हुए बोला गुरु जी, बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता गुरु जी आप जैसे गुरु जी ये समझ गए महाराज जी, गुरु चेला नहीं गुरु ही फंस गए बेचारी। महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरु जी ने कहा बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही, अंधेरा है, पहाड़ों का काम, देखो बारिश बंद हुई क्या। गुरु जी ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरु जी बोले, महाराज जी बोले खाप चौक वाले बद्रीनाथ अंदर आई तो क्या है, बोले हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई, अब हम काय कोठे हैं। गुरु जी बोले बाढ़ में गया, और रात गुरु जी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा है, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा, पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा, बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पर सामान आता था, जब यहाँ पर कुछ लेने के लिए तो बकरियों की पीठ पर 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती तो कौन लाएगा, बंद कर दी, दीपक बुझा ले बेटा। चेला बोला गुरु जी ठंड में कौन उठे, ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का बनवास है। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं आया। बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने जय हो दिया, खुद ही उठे फूंक मार। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए, उनका महाराज जी भोग लगा खाक चौक के, महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है वो खाएगा, फिर भी आवाज दी चेले लड्डू खाओगे। बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, दौड़ता हुआ आया प्रणाम किया, आपकी 3-3 बातें नहीं मानी। अब चौथी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाए
जाना नहीं चाहता। भक्त रहते थे जो संत सेवी थे उनके घर पहुंचे, चीरधर नाम था, वो दोनों पति पत्नी बड़े संत सेवी थे, बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आज ऊपर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था खूब हमें रोना आता, अकेले इस बात पे आता था इतने किलोमीटर ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा, पर धन्य महाराज कोई साधु भूखा नहीं जाता, सबको भंडारा, कितना उदार दिल है, हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता, पर देखो तो ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, साधु है इतना ही बहुत है, साधु है, साधु को ये प्रसाद कवा, कितनी अद्भुत लीला, साधु श्री पिपाजी महाराज चीरधर के पास, जो चीरधर जी थे उनकी, चीरधर जी थे उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमत, और वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी, अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन दे दे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना, तो पिपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, उनके घर पर अन्न का दानन, पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए भूखा चला जाए, तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को संत को खवाएंगे, पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा, क्या किया जाए, बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी, अब मेरे पास दो चीजें बची, क्या मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाए, कैसे काटे, तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई, पर पत्नी का, स्त्री का सिंगार बाल है, केस, स्त्री का सिंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया, सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आ, थोड़े से चावल मिले लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा, तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो, पर तुम कैसे रहोगे, मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए, चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोली तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है, चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच, पूरे कपड़े निकालकर सेठ को बेच दिए और लाए चावल, चावल लेकर के आए, इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे, चावल बनाया तो चावल बनाकर पिपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए, तो पिपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम्हारी कुछ देर पहले पत्नी दिख रही थी, अब तुम उसको भी बुला लो, वो भी साथ में प्रसाद पाले में भोजन कर ले, तो चीरधर जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्षमा करो, क्षमा करो, वो बाद में पालेगी, आप पाओ वो पालेगी, नहीं हमारी आदत है, हम सब बैठ कर भोजन करते हैं, तुम बुलाओ उसको, चीरधर कहते भगवान वो नहीं आ पाएगी, पिपाजी ने डांटते हुए अपनी पत्नी को कहा जाओ तुम ले आओ, चीरधर गली में खड़ा हो गया, मत जाओ अंदर, एक तरफ हो हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम्हारी पत्नी साथ में नहीं बैठी, क्या हुआ आवाज भी नहीं आ रही, कहां गई, जब पिपाजी की पत्नी अंदर गई तो कोने में लुकी छिपी रो रही थी, बाहें पकड़ी, क्या बात है, ये तुम्हारे कपड़े कहां गए, कपड़े कौन ले गया, चीरधर की पत्नी कहती है बहन हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं था, आपका भोजन कैसे कराए, हमने अपने कपड़े ही बेच डाले, पिपाजी महाराज की पत्नी सीता सहचरी की आंख फट गई, धार कर रो पड़ी, धन्य है तू धन्य है, जो कॉपी ने जो वस्त्र पहन रखा था वो आधा कपड़ा शरीर को लपेट दिया, प्रणाम करके चीतर को कहा हमने बहुत साधु से भी देखे तुम्हारे जैसा नहीं देखा, भगवान आपको बताएं ये कथा हमने भक्तमाल में पढ़ी, जितनी बार पढ़ी उतनी बार शरीर हमारा ठिकाने नहीं रहा, बाद में चीरधर को भी ठाकुर के दर्शन हुए और पिपाजी को भी गोविंद के दर्शन हुए, जब संतों की जमात बैठी भोजन पाने, चार पांच और महात्मा आ गए, रोज की आदत थी भंडारे की, और जहां भोजन पाने महात्मा बैठे और प्रसाद लगाया उन्हीं बीच में चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण खड़े हो गए, चीरधर बुलाओ अपनी पत्नी को, आज का प्रसाद पाकर मैं धन्य हो गया, गोविंद भी कहते हैं धन्य हो गया, साधु ने कहा ना गुरु कृपा जिस पर हो जाए, गोविंद को वो श्रुत जी बोले हे मुनियों
जब वह साधु नाम का बानिया राजा के पास से धन लेकर के अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को उसने धन भी दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु बानिया कुछ ही दूर निकला ही था कि भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी भी इसने सत्य को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य बोलेगा या नहीं, ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का भेष धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए, नाव में धन भरा हुआ, मद से चूर। जब सन्यासी जी ने आकर के पूछा, हे साधु बानिया तुम्हारी नाव में क्या है, क्या भरा है, तब धन के मद में चूर दोनों महाजन, दोनों साधु बानिया और उसका दामाद अवहेलना पूर्वक हंसते हुए बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो, क्या तुम्हारा धन चुराने का इच्छा है, क्या धन लेने की इच्छा है? महाराज हमारी नाव में तो लता पत्र आदि भरे हुए हैं, झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लता पत्र आदि भरे हुए हैं। यह बात सुनकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो, निष्ठुरम चा वचः, निष्ठुरम चा वचः सुत्वा सत्यम भवतु ते वचः, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो, ऐसा कहकर के भगवान कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। जाकर जब भगवान बैठ गए, इधर साधु नाम का बानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद नित्य क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसे ही नाव के पास आकर देखा तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी वह लता पत्रादि की बाणी दंडी सन्यासी की लग गई, वह नाव ऊपर पानी में आ गई और इतराने तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के बानिया को संदेह उत्पन्न हुआ, पहले तो नाव थोड़ी पानी में झुकी हुई थी, अब ऊपर आ गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया, नाव में धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं, यह देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। तो बड़ी मुश्किल से तो डबल धन मिला था वही चला गया, अब पत्र लता पत्र आदि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता टहनियां बन गई हैं, रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा, दामाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दामाद ने जगाया, प्रयत्न किया और कहा कि आप शोक ना करें, आप शोक क्यों करते हैं, ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है, लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है, उन्होंने श्राप दे दिया, अब अगर वह वैसा ही चाहते हो तो चलो उनकी शरण में चलते हैं, सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु बानिया ने सोचा मरते क्या नहीं करते, बर्बाद तो हो ही गए, चलो। दामाद के साथ में दंडी स्वामी जहां किनारे पे बैठे थे वहीं आ गए, महाराज प्रणाम, आपकी जय हो, आदर पूर्वक प्रणाम करने लगा, पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा, काम पर पहले अवहेलना करके साधु की मजाक बनाकर हंस रहा था ये, अब जब सब बर्बाद हो गया तो भगवान याद आ गए। ये हम लोगों का भी यही हाल है, जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक कुछ याद नहीं आते, जहां घुटनों का दर्द हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बागे सो धाम याद आ जाते हैं। तो एक संत आज जैसी गया, हमने आपके सामने असत्य भाषण को कहा, हमारे अपराध को क्षमा करो, बार बार वह रोते हुए शोक में भरा होकर के व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा और कहा, हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं, हम पर कृपा करो। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतं करतु समुद्गतः, बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं, देवता भी आपके गुण और रूपों को नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित क्यों ना हो जाऊं, आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के प्रसन्न हो गए, भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ तुम्हारी नाव में नौका में जैसा धन था वैसा ही हो जावे, जय हो महाराज। जैसे ही उसने वापस नाव में आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण पाई, बड़ा प्रसन्न हो गया, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर वहां तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया, नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा।
वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे ही नगर के नजदीक पहुंच गया सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा, देखो अपनी नगरी आ गई है। एक दूत को किनारे से कहा, जाओ घर पर खबर करो नगरी में कि हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में साकुशल दोनों वापस आ गए, ऐसी खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया उसने साधु की भार्या को पत्नी को देखा कि यह हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत अनुष्ठान कर रही है। वह साधु की पत्नी लीलावती, उसकी पुत्री कलावती, कोई और व्रत नहीं सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रही थी। इतने में दूत आ गया, आपकी जय हो। क्या बात, क्यों आए हो? भैया अपने नगर के निकट में आपके स्वामी जी, आपके पति देव, साथ में दामाद, दोनों लोग साकुशल बहुत सा धन धान लेकर के वापस आ गए। इतना सुनते ही लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, कलावती भी प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम सत्यनारायण की कथा पूरी करके आओ, थोड़ी रह गई है, हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम पति के दर्शन कर ले, बहुत दिन हो गए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। इतना कह करके चली गई, और तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करके तुम भी प्रसाद पा करके आ जाना। पर लीलावती ने अनसुना कर दिया, व्रत तो पूरा किया पर पति के स्नेह के कारण, पति के दर्शन के कारण उसने सोचा प्रसाद बाद में पा लेंगे, पहले पति के दर्शन कर ले। प्रसाद को अलमारी में रख दिया और दौड़ती हुई पति के दर्शन को गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और साधु नाम का बानिया तो किनारे पर खड़ा था पर कलावती का पति नाव में बैठा था संपत्ति के पास। उसी समय भगवान ने ऐसी झोंका की लीला की, भयंकर हवा का झोंका लगा और देखते ही देखते कलावती के पति जिस नाव में बैठे थे वो नाव उसका पति दोनों कब डूब गए पता ही नहीं चला। अब तो रोने लगी, ये क्या अपराध है, भगवान के प्रसाद को ना पाने का अपराध है। देखो प्रसाद में तीन अक्षर है, कितने? प्रा सा दा। प्रामाने प्रत्यक्ष, सामाने साक्षात, दामाने दर्शन। जिसको पाते ही प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्रतीत हो उसी का नाम प्रसाद है। इसलिए प्रसाद को प्रेम पूर्वक, प्रा प्रेम पूर्वक, सा साक्षात, दा दर्शन मानकर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वरना महापाप लगता है। ना पा पाओ पोटली बना लो, थोड़ा सा किंचित मात्र पालो, पोटली बना लो, बांट दो, सबको दे दो, जो मिले दे दो। और ना पा पाओ, कोई है नहीं, गौ माता को पवा दो। गौ माता नहीं है, विदेश में रहते हो, जल में जीवों को पवा दो। पर भैया प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कलावती ने प्रसाद का तिरस्कार किया, देखते ही देखते उसका पति नाव सहित डूब गया पानी में। तथा कलावती कन्या नाविलोक्यम निजम पतिम शोकेन महिता तत्र रुदंती चापदत भुवि। रोने लगी, हमारे पति देव चले गए हैं। तुरंत खड़ा उली और सती होने के लिए तैयार हो गई। उधर भगवान का सिंहासन डोला, भगवान ने देवताओं से पूछा हमारी सिंहासन डोलने का कारण क्या है। तो देवता बोले, महाराज मृत्यु लोक में कोई स्त्री अपने पति के साथ सती होने के लिए आतुर है, सती होने चली है। भगवान बोले किस कारण? बोले प्रसाद ना पाने के कारण उसका पति नाव में डूब गया, जल में डूब गया नाव से। भगवान बोले जाओ व्योम वाणी कर दो, आकाशवाणी कर दो। तब तक साधु नाम का बानिया रोने लगा, लीलावती भी रोने लगी, हे भगवान हमसे क्या भूल हुई है, हमको क्षमा करो, हमारे दामाद का से क्या अपराध हो गया। हे प्रभु यदि हमारा दामाद साकुशल सजीवित आ जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, मिल जाएगा, हम पुनः हर महीने आपके व्रत सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम का बानिया, हे साधु बानिया, तुमने भगवान की कथा के प्रसाद का तिरस्कार किया है इसलिए तुम्हारी बेटी का पति दिखाई नहीं पड़ता है। यही है प्रसाद, यदि है प्रसाद पाकर सा सम्मान पूर्वक प्रणाम वंदन करके क्षमा याचना करे तो निश्चित ही पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी जैसी सुनी भागी हुई कलावती घर को गई, सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनः पूर्ण किया, भगवान के प्रसाद को पाया, दंडवत प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी इधर भगवान की कृपा से वह तूफान शांत हो गया और उसका दामाद और नाव दोनों साधु नाम के बानिया के देखते ही देखते पानी के जल के ऊपर आ गए। साधु नाम का बानिया बड़ा प्रसन्न हुआ,
अंत में हर पूर्णमासी को संक्रांति को वह साधु नाम का बानिया बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता रहा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सत्यानंद कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब इसके बाद हम पंचम अध्याय में दूसरी कथा को कहते हैं। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद की महिमा की कथा है। एक राजा था, उसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था? तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यदेव भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा दुख प्राप्त किया। एक बार राजा वन में गया, बहुत से पशुओं को मारा, शिकार करने गया, बहुत से पशुओं को मारा, एक बट के वृक्ष के नीचे आ गया। वहां उसने देखा कुछ गोप ग्वाल बैठे हुए बंधु बांधवों के साथ बड़े संतुष्ट होकर भक्ति भाव पूर्वक मनसा वाचा कर्म इंद्रिया मानो सभी प्रकार से किसी व्रत का पूजन कर रहे हो। राजा यह देखकर अहंकार के बस नहीं गया, न घोड़े से उतरा न प्रणाम किया। कुछ लोगों को बड़ा घमंड होता है, वो कथा में भी सम्मान पाना चाहते, वो कथा में भी आते हैं तो उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, हमें जाने, और जो कथा करने वाले पंडित जी हैं वो तुरंत हमारा नाम लें। और अगर उनका नाम ना लो, उन्हें ना देखो, उन्हें कोई बैठने को ना पूछे, अगर वो बैठ जाए तो उन्हें कथा ऐसी लगती है जैसे सूजा चुभाए जा रहे हैं, उनका मन नहीं लगता है। मन ही मन वो ये कहते हैं, होंगे अपने लिए बड़े, बाहर गया, हम एक बार आ गए, हम नहीं आएंगे, होंगे बागेश्वर महाराज अपने लिए, ऐसे तो बहुत महात्मा हमने देखे, हम भी 10 लाख खर्च करेंगे, उनसे बड़ी वाले महात्मा बुलाएंगे, इनके गुरु जी को बुलाएंगे। और अगर कोई आवे और तुरंत नाम, फलाने नेताजी आ गए, फिर देखो तुम ऐसे, बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे, क्या कथा बोल रहे, संगीत बहुत अच्छा है, और नाम ना ले ना देखो, उन्हें ये लगने लगता जैसे हम नाहर बैठे, सिंह बैठे, अनुभव किया। ऐसे ही इस राजा के साथ हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा वन में शिकार खेलने गया, वहां गोप ग्वालों को सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा अहंकार के बस अभिमान के बस ना घोड़े से उतरा न प्रणाम किया। बाद में जब उन गोप ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का पंजीरी प्रसाद दिया, महाराज ये प्रसाद है सत्यनारायण का, राजा ने नहीं पाया, मन ही मन सोचा हम राजा होकर ये भूंगा हुआ आटा पाएंगे, हम राजा हैं, प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ करके राजा घर आया, लौटकर भगवान के प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसने महान दुख को पाया। आते ही उसके नगर में आग लग गई, आग में भवन जल गया, उसके 100 पुत्र भी मर गए। अब तो राजा के ऊपर बड़ा पहाड़ दुख का टूट गया। राजा रोने लगा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, सैनिक बच गए, सिपाही बच गए, पर पुत्र क्यों मर गए, कुछ ना कुछ तो कारण है। मन में राजा यह निश्चय कर ही रहा था, तब तक मन में विचार आया, कहीं हो ना हो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को नहीं पाया उसी का अपराध ना हो। राजा भागता हुआ गया जहां सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो एक जगह हमने एक संत के मुंह से ऐसा सुना कि वहां गोपाल तो घर चले गए थे, पर जो दोना होते हैं पत्तल के पहले दोना बनाए जाते थे, छेवला के पत्ते के दोना बनते थे, उनको दोना कहते, और छेवला के पत्ते का दोना में प्रसाद इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसका नाम ही था दोना, दोना एक ही है, इसलिए भगवान को दोना बड़ा प्रिय, भगवान को दोना इसलिए प्रिय है कि ब्रह्म एक ही है, दो है ही नहीं, इसलिए दोना प्रिय है, इसलिए दोना में प्रसाद लगाया जाता था, तो जो दोना होता था उसमें प्रसाद दिया था। ये तो कटोरी है जो आप टीवी पे दिखा रहे हो, दिखाइए जरा, कटोरी है ना, हाँ, ये तो कटोरी है भाई, ये दोना नहीं है, दोना अलग होता है, हाँ, वो पत्ता का बनता है दोना, बल्कि आज तो जो है यहाँ भी बना लेना चाहिए था, पर यहाँ इतने बड़े पत्ते भी नहीं मिले, छेवला कहाँ मिलेगा, यहाँ छेवला नहीं, पर छेवला हो जिसको आपकी भाषा में पलास कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में उसे छेवला कहते हैं, छेवला, पलास, पलास के पत्तों का दोना बनाते थे, बहुत पवित्र होता था, अन्य पत्तों के भी बनते थे पर पलास के पत्तों का दोना पवित्र, तो दोना देखो उसका नाम ही है दोना, दो ना दोना। तो राजा ने, राजा गया, जब सब नष्ट हो गया, पुत्र मर गए, राजपाट जल गया, वापस गया, पर वहां पर गोपाल नहीं थे। एक संत बता रहे थे दोना पड़े हुए थे, जिनमें प्रसाद पाया था, प्रसाद तो था नहीं, पहले पूरा प्रसाद नहीं पाया, फिर राजा ने झूठा पाया, जो तिनके लगे हुए थे उसी को सीख से निकाल निकाल करके पाया, भगवान की कृपा से उसके पुत्र पुनः जीवित हो गए।
राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों को बुलाया, कहा भैया जो व्रत तुम कर रहे थे वो हमें भी करवाओ। भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक उसने भगवान सत्यनारायण के पूजन को किया। सत्यनारायण भगवान के पूजन के प्रभाव के कारण उसके पुत्र जीवित हो गए, उसका धन वैभव पुनः लौट करके आ गया। अंत में वह राजा इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर भगवान के वैकुंठ धाम को गया। वह भगवान श्री हरि के यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, वह भगवान के लोक को गया। श्री सूत जी कहते हैं।